नमस्कार, बोल स्काई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे आसन जो खर्राटों से निजात दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं खर्राटों को दूर रखने के लिए कुछ आसान से योगासन। इस कड़ी में हम जो सबसे पहला आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इस आसन को करते वक्त भंवरे जैसी गुंजन होती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों के अंगूठे से कानों को बंद करें। तर्जनी को माथे पर रखें, बाकी बची हुई उंगलियों को आंखों पर रखें। फिर श्वास को धीमी गति से गहरा खींचकर अंदर कुछ देर रोक कर रखें और फिर उसे धीरे धीरे आवाज करते हुए नाक के दोनों छिद्रों से निकालें। श्वास छोड़ते वक्त भंवरे जैसी आवाज निकालने की कोशिश करें। ध्यान रहे, श्वास अंदर लेने का समय 10 सेकंड तक का होना चाहिए और बाहर छोड़ने का समय 20 से 30 सेकंड तक होना चाहिए। शुरुआत में 5 मिनट तक आप ये आसन करें और धीरे धीरे इस आसन की अवधि बढ़ा दें। तो इस तरह किया जाता है भ्रामरी प्राणायाम। अब करते हैं आज का दूसरा आसन जिसका नाम है सिंहासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें और हाथों की उंगलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच सीधा रखें। लंबी गहरी सांस लें और जीभ को बाहर की ओर निकालें। दोनों आंखों को खोलकर भूमध्य की ओर देखिए। मुख को यथासंभव खोल दें। उसके बाद श्वास को बाहर निकालते हुए सिंह की तरह दहाड़ें। इस क्रिया को दहाड़ के साथ 10 से 15 बार अभ्यास करें। यह आसन भी खर्राटे की समस्या से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा। आपको बता दें कि खर्राटे अक्सर हमारे नाक, मुंह और गले में वसन मार्ग छोटे होने की वजह से भी आते हैं। इसके अलावा नाक में अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो भी आपको खर्राटे आते हैं। जब सांस लेने में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न होता हो तो खर्राटे आने लगते हैं। कुछ लोग धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं या फिर हाई बीपी के शिकार होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी खर्राटे आते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप खर्राटों की समस्या से निजात पाने के लिए यह आसन ज़रूर करें। यह आसन उन सभी समस्याओं को दूर करेगा जिसकी वजह से आपको नींद में खर्राटे आते हैं। तो फिर उम्मीद करते हैं कि अगर आपको खर्राटे आते हों तो उन्हें दूर करने के लिए आप यह आसन ज़रूर करेंगे। आज के इन्हीं आसनों के साथ कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।